प्रेम भैया, मैं आज तक एक बात नहीं समझ पाई हूँ। पाया हूँ, समझ पाया हूँ। हमारे जिला के नॉन पुरस्कारी नाट्य सम्राट अभी तक सीता मैया के कैरेक्टर से नहीं निकले, और ना ही तुम्हारे हाथों की लाली उतरी है। अरे लाली तो हमारे चेहरे की बढ़ रही है गुस्से से। अरे क्या है ये उपहार फाउंडेशन, जो हर बार की तरह इस बार भी अपनी सारी कमाई यहाँ दान देने जा रहे हो, क्या ये? उपहार फाउंडेशन कौन चलाती है? मैथिली देवी ऑफ देवगढ़। ज्योति जी, हमें पता है कि राजकुमारी जी आजकल दिल्ली में रहती हैं। उनका गारमेंट्स का बहुत बड़ा कारोबार है। वेरी गुड। लेकिन वे यहाँ पर वापस से कब आ रही हैं? पिछली बार वो आई थी पिछले साल 20 सितंबर 3:30 बजे संडे को, घट अपने उड़न खटोले में। आई रिमेम्बर। वो यहाँ कब आ रही है ये तो पता नहीं। ओहो। लेकिन हाँ, अगले हफ्ते वो प्रीतमपुर आ रही है। ओहो, प्रीतमपुर। यहाँ से 50 किलोमीटर की स्पीड पर सिर्फ एक दिन का रास्ता है। राजकुमारी की सगाई प्रीतमपुर के युवराज विजय सिंह से हुई है, और अगले हफ्ते युवराज का राजतिलक है, और उस राजतिलक में तो वो आएंगी ही। आप वहीं जाके उनसे क्यों नहीं मिल लेते? वो हमसे कहाँ मिलेंगी? जरूर मिलेंगी, और जब मिलेंगी तब अपना ये डोनेशन बॉक्स पर्सनली उन्हें दे देना, उन्हें बहुत खुशी होगी। अच्छा, तो फिर आप भी चलिए ना मॉरल सपोर्ट के लिए। मैं नहीं चलूंगी। चलूंगा, मैं नहीं चलूंगा। कौन पूछत है? तू तो मारो कंपल्सरी ब्लाइंड हो वो। लेट्स प्रीतमपुर। I'm sorry, but I can't take this any longer. पूरी जिंदगी मैं बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट लड़की रही हूँ। पहली बार खुद से यकीन हटा जा रहा है। I need to know कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ। युवराज, हमारी सगाई को 5 महीने हो गए हैं, और इन 5 महीनों में 5 बार भी हमारी कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हुई है। मैं जानती हूँ कि आप इस शादी के लिए तैयार नहीं हैं, और महाराज के हुक्म को आप नहीं टाल सकते। आपके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, और एक और जिम्मेदारी आप नहीं लेना चाहते, स्पेशली जब फैमिली में ऑलरेडी इतना तनाव है। मैं समझती हूँ, जो इंडिपेंडेंट माइंडेड होते हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई उन्हें बार बार कहे ये करो वो करो, पर इससे स्वयं अगर लाइफ एक साथ बितानी है तो यूँ अजनबी की तरह तो नहीं जी सकते ना। नहीं रह सकती मैं ऐसे डरते हुए कि आप कब चिल्लाओगे, कब नाराज हो जाओगे।
हमेशा चाहती रही कि लोग हमारे आसपास रहें ताकि सीन क्रिएट ना हो। मैं आपको जानती तक नहीं। युवराज, अगर आप खुश नहीं हैं, तो हम अपने अपने रास्ते जा सकते हैं। मैं दिल्ली में बहुत खुश हूँ। उपहार फाउंडेशन और काम के साथ मैं बिजी रहती हूँ। मैं दादी को समझा लूंगी, नो प्रॉब्लम। मुझे ये भी नहीं पता था कि आपने मौन व्रत रखा है। I'm sorry. लेकिन गलती आपकी है और आप हमसे एग्री करेंगे क्योंकि आपने कभी आपकी फीलिंग्स हमसे जाहिर नहीं किए। अगर आप करती तो हम सुनते, और अगर सुनते तो अप्रिशिएट करते और जरूर समझते। बताइए इसकी भरपाई कैसे करें? थोड़ा सा ये कंप्लीट करेंगी या आपके लिए स्पेशल तरबूज मंगाया जाए? आपकी वो आंतरिक शांति वाली मौन व्रत का क्या? मौन व्रत वो ऐसा है, हमसे एक बड़े विद्वान स्कॉलर बाबा प्रेम ने कहा कि जब तक आप बाहर खुशी ना बांटो, आपको अंदर की शांति कैसे प्राप्त होगी? आपको हमारे सीक्रेट्स जानने हैं, हमारे हाइस, हमारे लोस, हमारे अप्स, हमारे डाउन्स। गिव मी अ मिनट। दीवान साहब, क्या हुआ युवराज? आपने तो मौन व्रत की कसम ली थी। आपके सर की कसम ली थी, तोड़ दी। डज नॉट मैटर। राजकुमारी को दोस्त प्लेसेस दिखाने हैं जहां हमारा बचपन खेला था। प्लीज जरा इंतजाम कीजिए। मूव इट। मूव इट। इस स्कूल में युवराज 8th स्टैंडर्ड तक पढ़े थे। ये स्कूल 1907 में बना था। इसका आर्किटेक्चर उस जमाने में बड़ा मॉडर्न माना जाता था। In 1921 यहाँ ऑल इंडिया कबड्डी कॉम्पिटिशन हुआ था। 1945 में यहाँ पर ऑल एशिया हॉकी टूर्नामेंट करवाए गए। 1960 में यहाँ पर साहित्य सम्मेलन हुआ था। ये जग जाहिर है कि ऐसे आइए मैं आपको 3rd स्टैंडर्ड का एक जग जाहिर किस्सा सुनाऊं। हम लोग टीचर को मना कर स्कूल बंक करके यहाँ पर आके नहाते थे नंगे। दीवान साहब, क्या ये सच है? दीवान साहब ही तो हमारे स्विमिंग के कोच थे। इन्होंने हमें फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई और ब्रेस्ट स्ट्रोक सिखाया था। कह दो हाँ बापू, वरना मैं बोल दूंगा कि आप भी हमारे साथ नहाते थे नंगे। वो भी क्या दिन थे। बेटर दिन आज है। आइए दीवान साहब, राजकुमारी को हम हमारा छलांग पॉइंट दिखाते। नहीं, 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 नहीं। अरे वहाँ कहाँ देख रही हो स्वीटी? देखने की चीज तो उधर है। क्या चाहिए आपको? What is happening, चिराग? वहाँ समीरा कुछ रिपोर्ट नहीं कर पा रही, यहाँ तुम खामोश बैठे हो। माना कि भाई साहब इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद मेडिकली बच गए, पर राजकुमारी को स्टेशन रिसीव करने जाना और अब एस्टेट घुमाना? नो, ये भाई साहब नहीं हो सकते। कुछ तो गलत है सर। बहुत गलत। How are you doing, Bhavi? Welcome to Sasurat. Hi, Ajay bhaiya, how are you? Bapu, ye puch kya? Hello, bol rahe hain. Kya kar rahe ho? Hello. वैसे भाई साहब को क्या हो गया? आज आपको एस्टेट घुमा रहे हैं। How romantic? इन्होंने इस क्लब में कितने पोलो टूर्नामेंट्स जीते हैं? ए वेट अ मिनट, भाभी, आपको वो टूर्नामेंट तो याद ही होगा जब भाई साहब सगाई वाले दिन खेलने आए थे। Anyways, I'll leave the two lovebirds alone. Okay? Okay, भाई साहब। Enjoy.
ओके, और यहां पर हम बापू छोटू युवराज माचिस की तीरे लगा गयो लुखो सालो और दिखाओ दोस्त दोस्त प्लेसेस उस दिन आपने आपके सारे दोस्तों को बुलाया था मुझसे मिलने आप सब हंसी मजाक कर रहे थे और उस हंसी मजाक में मैंने कह दिया कि आप बिना मूछों के बैठे लगोगे पता नहीं आप क्यों नाराज हुए मुझे वहां अकेला छोड़ के यहाँ आ गए नहीं नहीं रोना नहीं वो एक्चुअली हमारे प्यार करने का अंदाज था प्यार करते हो जी बड़े ही जोरों से लेकिन हम दिखा नहीं पाते एक रोमांटिक वॉक के लिए चले लक्ष्मण अठे पधारो क्विकली क्विकली हवा को चीरते हुए ओहो टर्मिनेटर डायरी पेन कहां से हैं आप लोग गुजरात गांडो छोकरो हमना यहां बैसो अने फरी जाओ आगे बढ़ने से पहले सारी शिकायतें एक साथ लिखवा दीजिए मूछ शर्ट टाई पैंट अंडरवेयर बनियान कुछ मत छोड़िए धज्जियां उड़ा दीजिए लेकिन प्यार नहीं करता ये मत लिखवाइए बापू चांस ही नहीं दे रहे फॉर लेटिंग औथारी ब्यूटीफुल नारी इसके लिए थोड़ा सा वक्त है एक और सीक्रेट सीक्रेट रास्ता जो एक दिल से दूसरे दिल तक जाता है हल्दीराम से खाना लाई हूँ पार्टी में डॉक्टर्स होंगे खाने नहीं देंगे चलो जल्दी खा लो आप खास इसलिए आई हैं सॉरी भी कहना था उन सारी शिकायतों के लिए जो मैंने आपसे लिखवाई सच्चा प्यार क्या होता है मैंने आज जाना मेरी खातिर युवराज अपनी बहनों के घर गए उन्हें मनाने अगर ये उनका मेरे लिए प्यार नहीं तो इसे क्या कहते हैं आज से आपके कॉरोनेशन के फंक्शंस शुरू हो रहे हैं उनमें चार चांद लगाने के लिए मुझसे अच्छी कोई होस्टेस मिली तो कहना माफ कीजिए राजकुमारी जी आपको युवराज को हमने मेहमानों के आने से पहले बुला लिया दरअसल हमें युवराज के साथ आज का प्रोग्राम डिस्कस करना था नहीं नहीं दीवान साहब मुझे खुद चेक करना था अगर बैंक्वेट एरिया में फूलों का अरेंजमेंट वैसे ही है जैसे हमने पहले तय किया था एक्सक्यूज मी एक मिनट यस बापू ये लो ओ चोपड़ी महाराजों की हिस्ट्री आज का तुम्हारा ये भाषण शुद्ध हिंदी में होगा यस रट लो आज का प्रोटोकॉल पहले तुम्हारा भाषण उसके बाद शास्त्रीय संगीत उसके बाद शास्त्रीय नृत्य और फिर आखिर में लंच होगा लंच बाकी तुम्हारे लिए बॉइल्ड नो यस
क्या? पहली वाली मैथिली होती तो नाम की स्पेलिंग जरूर गलत लिखती। जी जी मैं स्कूल जा रही हूँ फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए। नहीं, आज हम घर से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। युवराज के फंक्शन की वजह से हम क्यों घर में कैद रहे? नो आर्ग्यूमेंट राधिका, मैं नहीं चाहती कि कोई ये तक सोचे कि हम उनकी खुशियों में किसी तरह से भी शामिल हैं। चलिए मेरी हेल्प कर राधिका। नहीं, मैं वापस से जाती हूँ। आज हमारी ये फुटबॉल वाली बहन खुद आकर आपके साथ ये डेकोरेशन बनाएगी। जी बिल्कुल, अगर इस फंक्शन में मैंने इनको आपका असिस्टेंट नहीं बना दिया तो मेरा भी नाम प्रेम से जो आप नाम लिख रही हैं वो नहीं। लेकिन इसके लिए मुझे आपकी इजाजत चाहिए। मैं भूल जाना चाहता हूँ कि मैं एक महाराजा का बेटा हूँ और मैं एक एक, एक गाँव वाला बनना चाहता हूँ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फैमिली। प्लीज हेल्प। इजाजत है? फिर आपको भी एक नाटक करना पड़ेगा। नाटक? जी, सोच लीजिए कि रंगमंच पर रामलीला चल रही है और आप जैसे श्री राम चाहेंगे सीता करेगी। सुनिए, कैसी लग रही हूं मैं? ओ थारी, संभल के। ये लो, अगर पता होता कि रोज रात आपका यहाँ ढाबा खुलता है तो मैं कंपनी देने आ जाती। ढाबे का नाम क्या है? प्रेम दिलवाला ढाबा। नाइस नेम। परसों का मेन्यू क्या था? वेज कोरमा। और कल का? तंदूरी छोला। और आज का? बटर भिंडी। बटर भिंडी जी। कभी कभी आप राजकुमारी लगती नहीं। क्यों, आजकल मैं कुछ ज्यादा नॉटी हो गई हूं? नहीं नहीं, क्या है ना, जब खुश होती हूँ ना तो दिल खोल के जीती हूँ। पर अब मैं गुड गर्ल बनूंगी, मुझे भी भिंडी खानी है। नहीं नहीं, इसमें बहुत मिर्ची है। इट्स ऑल इन द माइंड। अरे अरे, आप ऊपर बैठिए। हाँ, नेवर, सब कुछ शेयर जो करना है हमें। हम सब शेयर करेंगे हाइज एंड लोज, अप्स एंड डाउन्स। मुझे भी पानी पीना है। बड़े महाराज के टाइम के दिए आज हमसे शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तक शादी की डेट फिक्स हो ही नहीं रही। जिनकी शादी होती है वो थोड़ी ना तय करते हैं, आपकी दादी तय करेंगी। पता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम वो हो ही नहीं
कोई और हो, कहीं दूर से आए हो मेरी हर तन्हाई दूर करने के लिए। But you know what? Who cares? उस दिन ढेर सारी शिकायतें लिखवाई थी, आज फिर कहूंगी, और तुम लिखना इस बार मेरे पीठ पर। अगर मैं कहूं कि मुझको इसका अधिकार नहीं है तो ये चार दिनों में जो मैंने आपसे प्यार जताया है वो झूठा है राजकुमारी। दादी कहती है कि सच्चा प्यार होठों पे नहीं आंखों में बसता है, और आपके प्यार की सच्चाई आपकी आंखें साफ बता रही है महाराज। आज मान लो फिर मैंने तुम्हारी वो फेवरेट ड्रेस पहनी है, और आप अंदर जा सकती हैं राजकुमारी, उनके पास जो वाकई आपके हैं। माफ कीजिए, अब तक आप जिनसे मिल रही थी वो हमारा एक छल था। पुराने जख्म पूरी तरह से भर चुके हैं, बस अब तो महाराज अच्छी खुराक लें और आराम करें। गुड नाइट सर। गुड नाइट डॉक्टर। आई एम सॉरी आपको ये सब एम्बैरेसमेंट से गुजरना पड़ा। थैंक यू महाराज। वो दिलवाला मिलने आया है। एक सेकेंड, यू वांट टू गो इनसाइड फॉर अ बिट। थैंक यू दीवान साहब, बुला लीजिए। महाराज
इससे पहले कि हमारा राज औरों को पता चले, दिलवाला विदा लेने आए हैं। ठीक है, पापा की गाड़ी में छोड़ने जाएगी दीवान साहब। हुक्म। क्षमा करनी हुक्म। दिलवाले, आपने काफी ट्रेडिशंस तोड़े, आपने रॉयल गेस्ट को फुटबॉल खिलाया, आपने सबसे कहा कि हम तालाब में नंगे नहाते थे और फिर आपने मूछें भी नहीं रखी। वाय हुकुम, आपकी राजकुमारी को खुशी मिली। थैंक यू, हम तुम्हें जाने से रोक नहीं सकते, पर तुम्हारे लिए हम क्या कर सकते हैं इतना बता दो। आप बहुत अच्छे बेटे हैं, आप बहुत अच्छे भाई हैं, क्या वो साथी नहीं बन सकते जिसे राजकुमारी आप में ढूंढ रही है? ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट। राजा भैया, एक रिक्वेस्ट और। कन्हैया आजा, ला मुझे ये वाला, ये वाला। राजकुमारी के लिए हम ये उपहार लाए थे, इसे लाइए। हमारे हो रही है फॉर क्वालिटी टाइम। और वैसे भी बापू, उस सवाल का जवाब नहीं दिया, आज तो बता दो, जा रहा हूं और इर्द गिर्द कोई भी नहीं है। वो राजघराने की मर्यादा निभाते निभाते कभी कभी वक्त ही नहीं मिला। अब दोबारा कोई सवाल पूछा तो मारूंगा पकड़ कर। जाओ यहां से, जाओ। नया नाटक? चलो मित्रा, टेक योर सीट्स फास्टर। प्रिय मित्रों, सुबह सुबह स्वयं विष्णु जी प्रकट हो गए हमारे स्वप्न में। कहने लगे, चौबे अबे चौबे, स्वच्छ हो जा। अरे हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि बेटा चौबे, अपने से बड़े और संपन्न लोगों के संपर्क में रहो,
तो महाराज जी को कभी कभी यहां बुला लो, या बेटर स्टिल मुझे ही वहां ले चलो फॉर टी। ओ नो, चौबे चाचा। प्रेम भैया, राजघराने से दादी जी आई हैं। इतने सालों में ऐसी खुशियों वाली दिवाली नहीं देखी। प्रीतमपुर का राजघराना एक अनोखी रोशनी गीत संगीत में आज भी झूम रहा है, सब आपकी वजह से। आपने हमें ये उपहार दिया है और हमारे राजघरानों में एक रिवाज है, उपहार के बदले में उपहार दिया जाता है। दिलवाले, हमारी सगाई के बाद हमने खूब सारे झगड़े किए, एक दूसरे को नीचा दिखाने की खूब कोशिश की, लेकिन उस दिन तुम्हारे जाने के बाद मैं वैसे ही बनना चाहा जैसे कि तुमने कहा। और मैंने इसे कुछ नहीं कहा, ना ही इन्हें टोका, सिर्फ सुनता गया। और उससे हम दोनों इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि राजकुमारी जिस साथी को ढूंढ रही थी वो हमारा दिलवाला है, प्रेम दिलवाला। राजकुमारी राजघरानी की है। अगर राजघराना ही हमें अलग कर रहा है तो आज आपको हमें अपने घराने में शामिल करना होगा। और आप तो जानते ही हैं कि फिल्मी बातें करना न मुझे आता है न मुझे पसंद है, फिर भी कोशिश कर रही हूं। दिवाली के दो दिन बाद आज भाई दूज है, इस साल हम ये त्योहार मनाएंगे। का त्योहार है मगर नाम तो है भाई दूज। इस घराने में ये भाई भी शामिल होने आया है। हमारे घराने अलग कहा है, ये तुम्हारा बसाया हुआ प्रेम घराना ही तो है। और कोई हुक्म?